ओ भाई, कल मतलब क्या ही एक्सपीरियंस था, क्या ही एक्सपीरियंस, हम मजा आ गया। लिटरली ऐसा लग रहा था पहली बार देख रहा है मूवी, क्योंकि मैंने मूवी थिएटर में कम से कम नहीं, अप्रोक्सीमेटली करेक्ट टू करेक्ट नंबर्स थे मेरे 9 9 बार मैंने थिएटर में देखे पठान। एंड वो हाईएस्ट तो नहीं है, क्योंकि उससे भी ज़्यादा हाईएस्ट टाइम्स देखने वाली मूवीज है जो मैंने थिएटर्स में देखे। फैन सबसे ज़्यादा जिंदगी में मैंने थिएटर में देखे सबसे ज़्यादा बार, तो 9 बार में भी मुझे उसके एक एक शॉट्स, एक एक सीन्स समझ आ गए थे। जब मैं कल देख रहा था उसको अमेजोन प्राइम में, तो मेरे को इतना, मैंने उस फिल्म को इतनी डिटेलिंग में, मैंने 9 के 9 बार इतनी डिटेलिंग में देखा कि मुझे सारे शॉट्स नजर आए, कि जो जो एक्स्ट्रा शॉट्स यूज किए जो फिल्म के थिएटर में वाले प्रिंट में नहीं थे। तो टोटल टोटल 46 शॉट्स थे इस फिल्म के अंदर जो थिएटर के अंदर नहीं थे, थिएटर वाले प्रिंट में नहीं थे। प्लस अबाउट दैट, इसमें 3 सेकेंड से ज्यादा वाले सीन्स टोटल 4 थे इस फिल्म के अंदर जो थिएटर के अंदर नहीं थे। सीन्स तो भी मैं बोलूंगा नहीं, नहीं तो फिर से मार दिया जाएगा, तो ठीक है, तो जाकर तुम लोग खुद ही एंजॉय कर लेना। 46 शॉट्स जो मैंने देखा है थिएटर के अंदर नहीं था, वो उसमें से एक शॉट मेरे को बहुत सही लगा, वो जो ट्रॉली के ट्रेलर के ऊपर लड़ाई होता है, ट्रेलर यानी कि टैंकर ट्रक ट्रक के ऊपर लड़ाई होता था दोनों, उसमें 6 7 शॉट्स तो वहीं पे ऐसे थे जो न्यू यूज किए गए, जो थिएटर वाले सीन्स में नहीं थे। जैसे कि जॉन को मारकर वो जैसे ये हमर में गिराता है, वो हमर से उठने वाली सीन्स में फ्रेम से वो लोग कांच के अंदर से जो ड्राइवर सीट्स के अंदर से उसको कैच करते हैं, उसका फ्रेम कैच करते हैं, और ट्रक के ऊपर जो जब लड़ाई होती है वहां पे शाहरुख खान जब उसको मारता है, मारने के बाद उसकी गिरने के बाद के जो रिएक्शन वाले सीन्स है शॉर्ट्स है, वो सारे शॉर्ट्स नहीं थे फिल्म के अंदर। वो सब जबरदस्त जबरदस्त लगे भाई, और मोमेंटम मतलब अच्छा से कलरिंग जैसा होता है ना फिल्म, मतलब अच्छा क्वालिटी में देख रहे, तो वो भी फील आया, और शॉट्स सब बहुत मस्त है। खाली एक जो सीन था वो मुझे ऐसा लग रहा था कि उसकी जरूरत नहीं थी, वो थोड़ा ओवर एक्टिंग वाली सीन लगी, वो दीपिका की सीन मैं बता रहा हूँ, वो है वो ऐसा लग रहा था कि वो बनावटी सीन लग रहा था। उसके अलावा तो मेरे को जितने भी सीन्स ऐड हुए जबरदस्त सीन्स थे, सारे के सारे जबरदस्त सीन्स थे भाई। तो पठान का प्राइम एक्सपीरियंस भी जबरदस्त लगा, मजा आ गया। और कल तो अमेजोन क्रैश हो गया था, 2:15 से लेकर 2:45 तक पूरा क्रैश हुआ पड़ा था, बिकॉज बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे जो उसको खोलते समय वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो रहे थे, तो दैट मीन्स अमेजोन क्रैश हो गया था। क्या है भाई, रात के 2 बजे भी तुम लोग मतलब थिएटर भी क्रैश करते हो, यूट्यूब क्रैश करते हो, अभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म क्रैश कर दिया, वो भी रात के 2 बजे। तो ये सब हुआ था, ये सब हंगामा हुआ था, मैंने ट्वीट भी किया था। तो भाई अमेजोन का एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है मेरी तरफ से, पठान का रिव्यू एक ही है अमेजोन प्राइम वाला, मस्त लगा मुझे। जितने भी सीन्स ऐड हुए वो सीन्स में सबसे बेस्ट सीन मेरे को ऐड हुआ वाला वो टॉर्चर वाला सीन लगा, और उसके बाद वो जो टीम के पास वापस जाता है वो सीन लगा, वो तो तुम लोग देख लेना कहाँ पे है किधर में। तो बाकी मेरे को ये फिल्म बहुत सही लगी, अमेजोन प्राइम पे भी बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस आया, मज़ा आया मेरे को। कलरिंग वलरिंग सब ज़्यादा बेटर था थिएटर के कंपेयर पे, एंड शॉट्स वगैरह ज़्यादा ज़बरदस्त थे, जो 46+ उससे ज़्यादा शॉट्स होंगे, लेकिन मैंने 46 देखा है, 46 शॉट्स ऐसे थे जो मैंने देखा है कि भाई ये फिल्म के अंदर नहीं थी। तो बढ़िया लगा मूवी अमेजोन में भी देखकर, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है जाकर देखो, एंजॉय करो। 2 2.5 मिनट एक्स्ट्रा है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल वाले प्रिंट से, 2 2.5 मिनट एक्स्ट्रा सीन्स है, बिकॉज 4 सीन्स ऐसे जो 3 सेकेंड प्लस के सीन्स है। तो जाओ जाकर देखो, एक्सपीरियंस करो, एंजॉय करो।